तलबा हो जाएं तैयार, आज से स्कूल खुल जाएंगे। 9वीं से 12वीं जमात के 50% तलबा पीर और जमेरात को स्कूल जाएंगे। वज़ीर सेहत और तालीम के इजलास में फैसला, तलबा को बोर्ड इम्तहान की तैयारी का मौका मिलेगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का आर्टिकल। कातिल कोरोना ने बच्चों को भी ना छोड़ा, चिल्ड्रन अस्पताल में वायरस का शिकार दो बच्चे जाबहक, 8 जेरे इलाज। लहर के दौरान चिल्ड्रन अस्पताल में कोरोना से 16 बच्चे दम तोड़ चुके। कोरोना वायरस खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया, शहर में रिकॉर्ड 47 अफराद मौत के मुंह में चले गए। 239 की हालत तश्वीशनाक, ICU 92% भर गए। अस्पतालों में जगह कम पड़ गई, 1255 मरीज बिस्तर पर, जबकि 24 घंटों में कोरोना के 1748 नए मरीज सामने आ गए। कोरोना की तीसरी लहर, मेडिकल तालीमी इदारे मजीद 2 हफ्ते बंद करने का फैसला। इदारे 8 से 2 मई तक बंद रहेंगे। क्लिनिकल ड्यूटियां मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। MBBS और BDS के इम्तिहानात मुकर्रर तारीख पर होंगे। महंगाई का सोनामी मॉडल बाजारों में पहुंच गया, जिला इंतजामिया के मॉडल बाजारों में शहरियों का रश। रमजान से कबल 80 रुपए प्रति किलो फरोख्त होने वाला लीमू 600 रुपए तक पहुंच गया। मुताबिक सब्जियां सेंचुरियां और डबल सेंचुरियां क्रॉस कर गई, शहरियों की कुव्वत खरीद भी जवाब दे गई। एक हफ्ते में 41 रुपए रेट बढ़ा है, ठीक है ना, तो ये गरीब आदमी के रेंज से ये भी दूर हो चुका है। हम दुकानदार हैं, हम तो खुद इस चीज से बड़े परेशान हैं, जो रेट अभी हो गया है ना, इसमें ना तो हमारा अपना पर्सनल को जाती मार्जिन है, मुश्किल से थोड़ा बहुत माल डाल के वो गुजर बसर कर रहे हैं। एक तरफ रिलीफ के दावे, दूसरी तरफ महंगाई, मुर्गी के गोश्त की कीमत में 10 रुपए इजाफा, प्रति किलो कीमत 364 तक जा पहुंची। एक हफ्ते में 41 रुपए इजाफा हुआ, चिकन आम अफराद की पहुंच से बाहर हो गया। रमजान बाजारों में एक के बाद एक और मसाला, चीनी के साथ आलू प्याज के स्टॉल्स पर भी लंबी कतारें। गुलशन रावी, रमजान बाजार इंतजामिया ने चीनी के स्टॉल्स पर रश खत्म करने के लिए कुर्सियां लगवाई। खरीदारों ने चीनी छोड़कर आलू प्याज खरीदना शुरू कर दिया। रश में शहरियों ने SOPs की भी धज्जियां उड़ा दी। कमिश्नर लाहौर, रमजान बाजारों में सहूलतों की फराहमी के लिए कोशा। रमजान बाजारों में उम्र रसीद अफराद के लिए कुर्सियां लगवाने का हुक्म। बोले, किसी भी बाजार में चीनी की सप्लाई में किसी किस्म का तातुल नहीं आना चाहिए। चौक के तीन खाना सूरत हाल, जवाबी कार्रवाई सिर्फ सेल्फ डिफेंस और मखवी पुलिस अहलकारों को बचाने के लिए की गई। फिरदौस आशिक एवान का ट्वीट, कहती हैं इससे पहले इन जत्थों के हाथों 6 पुलिस अहलकारों समेत 700 अफराद जख्म हुए। शहर के 167 मकामात पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद। यतीम खाना चौक के तरफ 10 किलोमीटर शाहदरा से छोड़कर बंद रोड से गुलबर्ग तक इंटरनेट सर्विस मौतल। समनाबाद, शादमान, फैसल टाउन, इचरा, मजंग, सांधा, जेल रोड, माल रोड, सब्जाजार के इलाकों में इंटरनेट सर्विस मुतासर, शहरी को मुश्किल का सामना। शहबाज शरीफ की जमानत का तहरीरी फैसला जारी, दोनों जजेस ने अलग अलग नोट लिखा। छोटे मियाँ की रिहाई कठिनाई में पड़ गई, मामला चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के पास चला गया, अब फैसला रेफरी जज करेगा। शहबाज शरीफ की जमानत का फैसला बाहमी मुशावरत से किया, शॉर्ट ऑर्डर लिखने का वक्त आया तो जस्टिस अजय जावेद घराल ने कहा कि वह इख्तलाफी नोट लिखेंगे। जस्टिस सरफराज डोगर, अदालत ने जमानत मस्तरद करने का कहा, साथ ही जज ने खुद जमानत मंजूर करने का ऐलान कर दिया। शॉर्ट ऑर्डर लिखकर मुझे साइन करने के लिए भिजवा दिया, अगले ही लम्हे चीफ जस्टिस को आगाह कर दिया। जस्टिस अजद जावेद खरा। शहर को साफ सुथरा बनाने का ख्वाब अधूरा, अहम शहरों पर कूड़ा करकट के ढेर। मून मार्केट टाउनशिप, मॉडल टाउन और फैसल टाउन में सफाई ना हो सकी, ताफुन फैलने से इलाका मकीन परेशान। LWMC का अमला कई रोज कूड़ा उठाने नहीं आता, इलाका मकीनों का अलहकाम से नोटिस लेकर सफाई कराने का मुतालबा।
एयरब्ल्यू की जानिब से मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ, किरायों में तारीखी कमी कर दी। लाहौर से कराची और कराची से इस्लामाबाद का एक तरफा किराया 4,990 रुपये मुकर्रर। नए किराए नामे का इतलाक आज से होगा। FBI का जाली और वायरस जदा ईमेल से मुतालिक अलर्ट जारी। टैक्स गुजार जाली ईमेल्स को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करें और मुतालिक अथॉरिटीज को इस बारे में आगाह करें। FBI की टैक्स गुजारों को हिदायत। पंजाब असम्बली के तीसरे पार्लियामानी साल के 7 माह गुजर गए। असम्बली की कायमा कमेटी फॉल ना हो सकी। पार्लियामानी निजाम को चलाने के लिए खसूसी कमेटियों का सहारा लिया जाने लगा। खसूसी कमेटियों की तादाद 13 हो गई। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने कानून साजी के लिए खसूसी कमेटियों को मुसविदा कानून भिजवाना शुरू कर दिया। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी और एसी शालीमार की गड़ी शोह और बेगम कोर्ट में कार्रवाई। गोदामों से चीनी के 590 बैग्स बरामद कर लिए। और सुबह महंगाई ने आवाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद अहमद के हलका के कारकुनान के साथ मीटिंग। कहते हैं माह सयाम में भी हुकूमत ने आवाम को रिलीफ नहीं दिया। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली अली परवेज की मियां नवीद बशीर के घर आमद। वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। फातह अफवान ने की चाइना स्कीम में कारकुनान से भी मीटिंग। कहते हैं हल्के की आवाम के साथ रबते नहीं। बैसाखी मेले की तकरीबात। सिख यात्री गुरुद्वारा डेरा साहब पहुंच गए। भारतीय सिख यात्री आज करतारपुर जाएंगे। 22 अप्रैल को वाहगा के रास्ते भारत रवाना होंगे। दौरा जिम्बाब्वे की तैयारियां। कौमी टीम का तरबियती कैंप जारी। खिलाड़ियों ने नेट में भरपूर बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग प्रैक्टिस की। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसफ ने फवाद आलम, अजहर अली और इमरान भट्ट को खसूसी बैटिंग ड्रिल्स करवाए। मारूफ ढोलची गुंगा साई आरजाई कल्ब के बायस खालिक हकीकी से जा मिले। गुंगा साई की उम्र 50 साल थी। महबूब ने ढोल को मुनफरद अंदाज में बजाकर अपनी पहचान बनाई। कोयटा की सर्द हवाओं ने मौसम ठंडा कर दिया। लाहौर में आज सूरज और बादलों की आंख मचोली, जबकि मंगल के रोज आंधी के साथ बूंदाबांदी के इम्कान है।